नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज फ्लैश। मैं हूं आशी प्रतीक और बढ़ते हैं आज की खास खबर की तरफ। खबर दानापुर से है। एक मां अपने अपाहिज मगर राष्ट्रीय रग्बी खिलाड़ी बेटे के लिए एक व्हीलचेयर के लिए अपने क्षेत्र के सांसद और विधायक से गुहार लगा रही है। दरअसल स्पाइनल कॉर्ड में इंजरी के बाद कमर से नीचे अपाहिज हो चुके एकमात्र बेटे के बेहतर भविष्य के लिए गुहार लगा रही है। पेश है एक रिपोर्ट। विधाता के मार के आगे हम मनुष्य बेबस हो जाते हैं, उसकी माया कोई नहीं जानता। कुछ ऐसा ही हुआ राहुल दयाल के साथ। ये है राहुल दयाल। एक भाई और दो बहनें घर में। बचपन से लेकर 10वीं तक की पढ़ाई लिखाई खूब अच्छे से चला। 12वीं की परीक्षा के बाद अचानक राहुल को पता चला कि उसके स्पाइनल कॉर्ड में ट्यूमर हो गया है। वर्ष 2017 में स्पाइनल कॉर्ड का ऑपरेशन हुआ, जिसके बाद वो अपने पैरों पर खड़ा नहीं हो सका। कमर से नीचे के शरीर का अंग काम करना बंद कर दिया था। इस घटना के बाद राहुल डिप्रेशन में चला गया, मगर काफ़ी मशक्कत के बाद डिप्रेशन से बाहर निकला और कुछ कर गुजरने की ठानी। कहा जाता है कि लगातार अभ्यास करने से किसी भी कठिन मुकाम को हासिल किया जा सकता है। राहुल ने व्हीलचेयर पर ही रग्बी खेलना शुरू कर दिया और आज नेशनल व्हीलचेयर रग्बी तथा नेशनल व्हीलचेयर बास्केटबॉल का राष्ट्रीय खिलाड़ी के रूप में जाने जाने लगा है। खेल में आगे बढ़ने के लिए उसे एक अच्छे व्हीलचेयर की आवश्यकता है, मगर घर के आर्थिक तंगी से वो खरीदने में असमर्थ है। वैसे वो अभी ऑनलाइन के माध्यम से लोगों को दी जैंगिंग का काम भी करता है। हाँ बताइए, किस तरह से इस मुकाम पर पहुँचे आप? मैं इस मुकाम पर पहले तो सोशल मीडिया के माध्यम से पहुँचा। सोशल मीडिया पर मेरे तरह लोगों को देखा, वो लोग देखे कि बहुत ऊंचाई पर पहुँच रहे हैं, नेशनल इंटरनेशनल खेल रहे हैं। तब मैं देखकर मुझे प्रेरित हुआ कि मैं भी कुछ कर सकता हूँ। तब मैं अपना अभ्यास शुरू किया और लोगों से, व्हीलचेयर भाइयों से मिलने लगा, अपने जैसे लोगों से मिलने लगा। तब मुझे पता चला कि हम लोग का भी गेम होता है, जो पैरा ओलंपिक का गेम है, उसमें हम लोग भी अपना पार्टिसिपेट कर उसकी तैयारी में लगे हुए। दुर्घटना कैसे हुई था? दुर्घटना मेरे साथ 2017 में मेरा स्पाइनल कॉर्ड का ऑपरेशन हुआ था, जिसमें मेरा ऑपरेशन के कारण मेरा आधा बॉडी पैरालाइज्ड हो चुका है। उसके बाद किस तरह से आप उससे उबर कर कितनी दूर तक पहुँचे? उसके बाद मुझे एक साल डिप्रेशन में चल गए थे। फिर उसका मेडिसिन हो के फिर हम अपना रिकवर करके फिर अपना गेम के प्रति अपना हो प्रैक्टिस किया और धीरे 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 अपना हम आगे बढ़े। अब क्या करने का इरादा है आगे? अभी आगे हमको और भी मेहनत करके और भी स्विमिंग का प्रैक्टिस करना चाहते हैं। स्विमिंग, पैरा स्विमिंग होता है, जिसमें हम लोग के बिहार के टॉप प्लेयर जो इंटरनेशनल खेल चुके हैं, उन्हीं की तरह मैं भी करने की कोशिश कर रहा हूँ। अब तक कौन कौन सा गेम जीते हैं, कौन कौन सा गेम खेले, क्या थी? अभी मैं ये अभी रग्बी हुआ था, व्हीलचेयर नेशनल रग्बी हुआ था जो पाटलिपुत्र स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में, उसमें हम लोग का बिहार टीम रनर अप रहा और हम लोग सिल्वर मेडल जीते। अपना परिचय? मेरा नाम राहुल दयाल हुआ, मेरा उम्र 23 साल है और मैं एक लोगो और बैनर डिजाइनिंग करता हूँ घर से और ऑनलाइन काम करता हूँ। कब पता चला बेटा का कि स्पाइनल में इंजरी है? 7 साल पहले पता चला कि मेरे बेटे का ऐसे हुआ। तो उसका ऑपरेशन हुआ, पहला ऑपरेशन हुआ तो थोड़ा सही हो गए थे, दूसरा ऑपरेशन हुआ तो बिल्कुल एकदम चलना फिरना बंद हो गया। किस तरह से उनको मोटिवेट किया है, आपने क्या क्या योगदान दिया है? उनको सभी जगह दिखाए सुनाए, सभी जगह सब चीज़ से अपना अस्थिर होकर दिखा उखा के फिर भी उनको कहीं कुछ हमको नहीं बुझाया कि अब ठीक होंगे। डॉक्टर बोला लोग कि नहीं, अब आपका बेटा मतलब कि एक्सरसाइज करवाइए। 3-4 साल एक्सरसाइज एकदम कराते गए, फिर भी नहीं कुछ हुआ।
अब उसी में हम लोग लगे हुए हैं अपना व्हील चेयर अपना खेलते हैं, अपना रघुवीर वाला खेलते हैं। अब इनको जो खुशी है अपना खेलिए कूदिए अपना जाइए। अब इसी पर माँ के अपना 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 पत्थर रख ली सीना पर कि बेटा चलो जैसे भी है। अब इनको है कि हमको व्हील चेयर चाहिए ही चाहिए। अब सरकार इनको थोड़ा व्हील चेयर का मदद करता देता उता तो थोड़ा ही बाहर भी निकल के घूमते फिरते। अभी तो घर में है, हम लोग का छोटा मोटा दुकान है बनिया का, उतना से हम लोग कर नहीं पाते हैं बाल बच्चा के। और हमको क्या कहना है, अपना नाम बताएं। आरती देवी।